ये जो जो भी कोई इसके ऊपर मार्किंग होगी, ये दरअसल ये इसके लॉट नंबर, इसको लॉट नंबर बोलते हैं, लॉट नंबर की मार्किंग होती है। आखिरी जो आपने बताया है 86, K86, तो ये माना जी जा सकता है कि ये 86 लॉट का ये एमिनिशन है। 86 लॉट का एमिनिशन कब ये बना था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा लॉट नंबर अगर ये समझ में आ जाए तो ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, इस सब की पूरी तरह जानकारी प्राप्त करी जा सकती है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और बॉम्ब डिस्पोजल और ये जो जितने भी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, ये जब इसके ऊपर लगेगा, इसका फॉरेंसिक्स करेगा, तो ये जी, चीजें बिल्कुल वाजे और क्लियर हो जाएंगी। और कितना घातक ये होता है ये जो रॉकेट नजर आ रहा है इन तस्वीरों में कर्नल दानवीर? देखिए, ये अगर आपने बिल्डिंग के ऊपर इस्तेमाल किया है, जो कि कंक्रीट की बिल्डिंग है, और वो दीवार पे हिट हुआ है, तो शायद उसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अच्छा अगर ये खिड़की के अंदर से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है बिल्डिंग के अंदर, अंदर बहुत डैमेज कर सकता है, आग भी लगा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो रॉकेट्स हैं, ये एंटी टैंक ग्रेनेड, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स होते हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियों और गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनकी कारकर्दगी बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो होती है वो टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या अपनी जी लाइट व्हीकल्स जो आप दिखा रहे हैं, जो कारें हैं और एसयूवीज हैं, उनके खिलाफ अगर किया जाए तो बहुत ही घातक और खतरनाक हो सकते बिल्कुल, हैं। तो मैं काफी बिल्डिंग महत्व